नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रभात सर साधना। आज हम सीखेंगे कि कैसे दो इमेजेस को मर्ज करते हैं, मतलब एक इमेज को, मतलब आज हम इसमें ये करेंगे। ये जो ये वाली इमेज है, इसमें हम इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये इसको हम रिप्लेस करेंगे, इसको हटाएंगे और इसकी जगह हम लगाएंगे दूसरा वाला पार्ट। इस इमेज का ऊपर वाला पार्ट लगाएंगे, तो ये कैसे करेंगे हम ये देखते हैं अभी। सबसे पहले हम इस इमेज को लेंगे और इसको हम फोटोज़ में खोलेंगे। एक्चुअली ये फोटोज़ ऐप है, और फिर इसमें हम क्रॉप करेंगे और इस पार्ट को हटा देंगे इस तरह से। तो ये पार्ट यहाँ पे थोड़े बाउंड्रीज थोड़ा ढंग से हम मैच कर लेंगे, क्योंकि बिल्कुल असली लगना चाहिए। तो ये बाउंड्रीज मैच हो रही है, क्या बाउंड्रीज मैच हो रही है। ठीक है, हो गई बाउंड्रीज मैच। अब इसको हम क्रॉप कर लेंगे, डन, और सेव कॉपी कर लेंगे। तो ये इस तरह से बन गया ये। और फिर हम दूसरी इमेज को लेंगे जिसको हमें करना है, और इसमें भी हम क्रॉप करेंगे फोटोज से। ऐसे ये क्रॉप करने के लिए हमने ये चुन लिया। ये क्रॉप करने के लिए चुन लिया हमने इतना सा पार्ट, और फिर इसे क्रॉप कर दिया, फिर सेव कर दिया। तो ये दोनों अब सेव हो चुके हैं उसी के साथ में, ये और दूसरा ये, सॉरी ये नहीं, ये। तो अब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे। उसके लिए हम जाएंगे क्रोम में, क्रोम खोला हमने, और क्रोम में हम डालेंगे मर्ज टू इमेजेस टू मेक वन। ऐसे तो pinetools.com है वो, उसमें हम डालेंगे pinetools.com। pinetools.com पे डालने के बाद खुल रही है। एक्चुअली मेरा इंटरनेट खत्म हो चुका है। ये pinetools.com है, इस पे हम जाएंगे pinetools.com पे, और फिर इसमें हम फर्स्ट इमेज, मतलब जो हमें ऊपर लगानी है। एक्चुअली ये फाइन pinetools.com पे ऐसा होगा कि हम फर्स्ट इमेज जो चुनेंगे वो पहले होगी। अगर वर्टिकली होगा तो फर्स्ट इमेज ऊपर होगी और सेकंड इमेज उसके नीचे होगी। अगर हॉरिजॉन्टली चुनेंगे तो फर्स्ट इमेज लेफ्ट में होगी और सेकंड इमेज राइट पे होगी, जैसा नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे वर्टिकली चुनेंगे क्योंकि हमें वर्टिकली करना है। अगर हॉरिजॉन्टली करना होता तो हॉरिजॉन्टली भी कर सकते थे, तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टली चुनते हैं। पर यहाँ पे वर्टिकली, इसलिए हम वर्टिकली चुन रहे हैं। और इसमें यहाँ पे नीचे आउटपुट इमेज जो है वो मर्ज करने के बाद दिखा देगा, डाउनलोड डायरेक्ट नहीं करेगा। ये फ़ायदा है इसमें कि डाउनलोड ही डायरेक्ट नहीं करेगा, तो
तो फर्स्ट इमेज हम चुनेंगे वो ऊपर वाली जो ऊपर लिखी हुई है, जो हमने अभी भी लाई थी। अच्छा स्क्रीनशॉट में, हाँ ठीक है, ये रही फर्स्ट इमेज, ये आ गई फर्स्ट इमेज, क्योंकि इसे हमने ऊपर रखना है इसलिए इसे हम फर्स्ट ले रहे हैं। सेकंड इमेज, सेकंड इमेज यहाँ पे फोटोज में व्हाट्सएप ये वाली थी, सेकंड इमेज ले ली हमने। अब इन दोनों को हम इस तरह से मर्ज करेंगे कि अगर हम डू नॉट एडजस्ट करेंगे तो इसमें जो है ये वाला बड़ा हो के आ जाएगा थोड़ा, तो ये फ़ोटो कुछ जैसे कि मैंने पहले डू नॉट एडजस्ट ही किया था तो उससे गड़बड़ हो गई थी। डू नॉट एडजस्ट किया मैंने उसमें मर्ज, मैं दिखाता हूँ, डू नॉट एडजस्ट किया फिर उसके बाद मर्ज किया, तो ये देखो ये जो ये वाली फ़ोटो है ये जो है छोटी हो गई और ये वाली बड़ी हो गई जो ऊपर रखनी थी। हमें ये इसके जितना चाहिए, ये बड़ी नहीं चाहिए तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम यहाँ पे डू नॉट एडजस्ट की जगह हम रिड्यूस द बिगेस्ट पे कर देंगे और इसको कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शंस को हम सेम रखेंगे, फिर अभी मर्ज करके देखते हैं। अब सेम, अब सही है ये, तो रिड्यूस द बिगेस्ट वाला पे रखना है हमें, तो फिर ये सही आ जाएगा। फिर मर्ज हो गया, फिर यहाँ पे हम PNG, WebP या फिर JPG में करके डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि हम JPG में कर दिया, डाउनलोड हो गया और यहाँ से फिर ओपन कर दो, हो गया ये बन गया, मर्ज हो गया। यहाँ पे इसको हम फोटोज़ में जाके भी देख सकते हैं। डाउनलोड्स में यहाँ पे ठीक है,